पाकिस्तान को तरीके से कट हो जाए। आपकी और हमारी मंगनी की रिंग बेगम ए वाला जो 14 अगस्त को मंगनी कर रहे हैं आपकी सस्ता पैकेज स्पेशल ये है सोने की डायमंड बीच में कोहिनूर लगा हुआ है स्पेशल ना पूछो दादा ना पूछो दादा ए गाइस क्यों बोले जी दादी जान पाकिस्तान नवंचा दुरबुरा मास नाखली करो ना ये कितने मास ये थी ये सही सारे रेडियो लगा उमेर खान झंडिया लगाते हुए साथ में उमेर खान भी ऑटोग्राफ एक मैं बिल्कुल फायर नहीं मुनी भी हे वाला तुम 14 अगस्त पे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का कुछ नहीं और शीट पाकिस्तान साफ मैं इससे बैठ ना हाथ तो दिन देख साफ साफ पाकिस्तान हर कदम कदम हमारा सेफ गार्ड पाकिस्तान हम आज 14 अगस्त पे पाकिस्तान की आज़ादी को मना रहे हैं ये हमारा मशहूर साहब है ये आज हमारे लिए केक काटेगा दिखाने पे एन टीवी से इसको हम टीवी पे दिखाएंगे ठीक है तो ये हमारा टीवी पे आऊंगा वो ये हमारा नजर के लिए ये हमारे लिए नजर हमारे साथ नजर के लिए फिर रहा होते जब इन हसीन चेहरों को नजर लगती है तो इसको काले धागे की तरह इस्तेमाल करते हैं ए वादा बी इंग्रेसेस ये हसीन चेहरा देखें हसनैन अली हसनैन अली बहुत खराब है वाला ये शॉट केक भी आ गया है डेकोरेशन भी हो गई है ये केक मुनीब ने खराब भी कर दिया है ये झंडा ये मुनीब ने ऊपर बनाया है पहले नहीं था ठीक झंडा था इससे खराब हुआ है बगैरत इंसान की तक कंजरा परे कर पैर खाना पैर परे कर ऐसे यो भाई ऐसे यो भाई मेरी यहां ये क्यों नहीं होता मेरी क्या नहीं ये मुनीबी ने ये भी मुनीबी ने खराब कर दिया है मुनीब ये थोड़ा काम की जैसा पाकिस्तानों के खराब कर जनावर हो आप जनावर यू जनावर यू जनावर जूम करके देखो जूम हुआ है जूम करो थोड़ा इसका मुंह देखो ये मशर साहब आज हमारा केक काटेंगे सेल्फी काट दिया एक काटेंगे पाकिस्तान का केक उधर पकड़ लो उधर हो पाकिस्तान का काटेंगे उमाती दर आपका नाम उमाती को सजा आते का पैसे हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान इसको डस के ने मार तू ये उड़ा मार दे तू कब कब
ये हमने पाकिस्तान का केक काट लिया है। अंगली अंगली पोड़ोस ये जश्न आज़ादी मनाने के बाद के हालात हैं। बुरे हालात। ये केक हमने खा लिया है। केक कैसा था? मुमकिन था। बहुत मजार केक था। खाने की चीज़ को गंदा नहीं कहते। यू बेशरम इंसान, यू बेगैरत। मार दो कुछ बला। हम समोसे खा रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं। हमने इधर जाना है। हमारा सपाट यहाँ कर दे नहीं। ये है आर्मी, आर्मी ऑफ पाकिस्तान की आर्मी। सब एक जैसे जैसे ये है हमारे लिए। अच्छा सीन ऐसा है कि ये कैमरा पकड़ लो कोई, कि ये जगह है, ये हमारा स्पॉट है, स्पॉट ब्यूटीफुल स्पॉट। यहाँ से सामने धूप बिल्कुल नहीं लगती, धूप भी यहाँ पे नहीं लगती और यहाँ पे सामने खजी है, सनसेट भी हसीन सा नज़र आता है। यहाँ पे आज हम 14 अगस्त मनाने हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद किया। जानी समंदर है, जानी जानी मैं अलामा इकबाल हूँ, ये मेरा दोस्त है कायद आज़म जानी। मैंने कल ख्वाब देखा है मुल्क बनाना है। सीन ऑन है ब्रो। सीन मीठी लस्सी, मीठी लस्सी, मीठी नहीं मीठी लस्सी। यार देखो ये नहीं पता लगता है, मोटरसाइकिल एडा मारा हो सी लखती लाना रे उसन तो इसको आराम देखो। हम देसी लोग हैं, हम लस्सियां पीते हैं, लस्सियां स्प्राइट स्प्राइट नहीं पीते हम, लस्सियां पीते हैं, लस्सियां लस्सी लस्सी। हमारे पास दो न्यू गेस्ट आए हैं, दो न्यू गेस्ट आए हैं और जो कि बहुत गेम करते हुए भी, लेकिन गेम का मुंह ना देख भाई पास से आए हैं। शिराजी डकी भाई का बार कर, डकी भाई का चैनल डीमोनेटाइज हो, भाई मोनेटाइज हो गया। डकी भाई का नहीं, रजा समो का, रजा समो का। हम इस छोटे से शहर में इतना कुछ ही कर सकते हैं, अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ये वतन जो हज़ारों शहीदों की माँ और बीवियों की कुर्बानी है, ये वतन जो मैं मेरे बड़ों की दी हुई इमानत है। आओ आज हम सब मिलकर इसको वो बनाएं
जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए कायदे आजम ने मुशक्कत की। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलता हूँ।